बड़ी जबरदस्त जोड़ी लग रही तुम दोनों की। वैसे गेती मांग गई मैं तुझे, गेती का चक्कर आखिर मैंने देख ही लिया। अभी तूने गेती का पूरा चक्कर देखा ही कहाँ है? आगे आगे देख होता है क्या। वैसे उस फलक का तो बता क्या हाल है उसके? ए दफा कर उसे, नाम नहीं लिया कर उस चुड़ैल का मेरे सामने। हे गीती, काश मैं भी तेरी जैसी होती। रहने दे बस, तूने भी काफी अच्छा हाथ मारा है। हाँ वैसे शायद है तो बड़े अच्छे, मेरी हर बात मानते हैं, बहुत ख्याल रखते मेरा। हाँ लेकिन शम्स की ना बात ही अलग है, वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। पता है अभी फैक्ट्री जाएंगे ना तो सबसे पहले मुझे कॉल करेंगे। और क्या करते हैं? और मैं इतना मना करती हूँ मेरे लिए कुछ ना लाए, फिर भी कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं। वाह मजे तेरे। गेती आ रही हूँ, तू तस्वीरें देख। हाँ। आके लगाती हूँ टिकटॉक पे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आंटी, खैरियत? हाँ बेटा, दरअसल वो मैं फलक को कॉल मिला रही थी, उसका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। आंटी वो फलक का फोन हाथ से स्लिप होके पानी में गिर गया था, तो मैं अभी बाहर ही निकला हूँ उसके लिए नया फोन लेने के लिए। तभी मैं कहूँ कि कॉल क्यों नहीं मिल रही। अच्छा बेटा, जब तुम घर जाओ ना तो मेरी बात करा देना फलक से। जी जी आंटी बिल्कुल। और आप सुनाएं, अंकल ठीक ठाक हैं? हाँ बेटा अल्लाह का शुक्र है, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। उनसे भी बात करा देना फलक की भाई, वो बहुत याद करते हैं फलक को, लाडली है ना उनकी बहुत। अरे आंटी फलक भी आप लोगों को बहुत याद करती है। बेटा ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ दिन के लिए फलक को घर भेज दो? असल में शम्स और गेती की मंगनी हो गई है ना, शादी तय हो चुकी है उनकी, फलक घर आ जाएगी तो जरा हेल्प हो जाएगी। अरे ये तो बहुत खुशी की खबर है आंटी, हमारी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप बेफिक्र हो जाएं आंटी, फलक को मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास दूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा आंटी अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। खुदा।